नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। RRCER ने 3115 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। अब BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग। अब एक पशु रखने वाले पशुपालकों को भी मिलेगा KCC का लाभ। ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह का आज से हो रहा शुभारंभ। कप्तान रोहित ने टूर्नामेंट के आगाज से पहले भाड़ा जीत का दम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RRCER ने 3115 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 3115 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 8th या 10th पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट rrcrecruit.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग। बिहार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। बीते दिन BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि BPSC के प्रारंभिक परीक्षा में अब 200 अंकों के प्रश्न होंगे। इससे पहले 150 अंकों के प्रश्न पत्र होते थे। उन्होंने बताया कि अब 100 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे। वहीं 2 अंकों के कुल 50 प्रश्न के अभ्यर्थियों को उत्तर देने होंगे। यही नहीं, BPSC अध्यक्ष ने बताया कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग भी होगा। उन्होंने कहा कि इसकी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि प्रतिभाशाली छात्र ही इस परीक्षा के माध्यम में सामने आए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। श्री कृष्ण सिंह बिहार के सामाजिक न्याय के एक आधुनिक नेता थे, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बिहार राज्य के लिए पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 21 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1887 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानियों में से एक माना जाता है। वे अपने छात्र जीवन से बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक बड़े नेता के रूप में दिखाई दिए हैं। बिहार के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बिहारी छात्रों के लिए कलकत्ता में राजेंद्र चत्रा निवास की स्थापना करवाई, पटना में अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में रविंद्र भवन, राजगीर वेणु वन विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और साथ ही मुजफ्फरपुर के एक अनाथालय का निर्माण भी करवाया था। बिहार में अब नहीं होगी खादी की किल्लत। बिहार में अब खादी की किल्लत नहीं होगी। बरौनी खाद कारखाना से यूरिया का उत्पादन बीते 2 दिनों से जारी है। वहीं बीते दिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के मार्केटिंग विभाग की ओर से उत्पादित यूरिया को डिस्पैच भी किया गया। बता दें कि बड़ौनी में यूरिया का उत्पादन शुरू करने के लिए बीते 2 महीने से कार्यरत कर्मी और अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे थे। जैसे ही मंगलवार को यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ, यूरिया के दानों को उछालकर कर्मियों और अधिकारी खुशी इजहार करते हुए देखे गए थे। इन कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा के 4 ट्रेडों की होगी पढ़ाई। राज्य के ऐसे 43 विद्यालय को चयन किया गया है जहां व्यावसायिक शिक्षा के 4 नए ट्रेडों की पढ़ाई होगी। इन ट्रेडों में टेलीकॉम, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लेसर, इलेक्ट्रॉनिक एंड HW और फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंस शामिल हैं। बता दें कि इन 4 ट्रेडों में 2 ट्रेडों की पढ़ाई 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ऐच्छिक होगी, लेकिन इन्हीं में से 2 ट्रेडों की पढ़ाई 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। पर्यटकों के लिए पर्यटक पुलिस हर प्रकार की मदद के लिए तैयार। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि बौद्ध विहार हमेशा से पर्यटकों का केंद्र रहा है। लाखों की संख्या में सालों भर यहां पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पर्यटकों की हर संभव मदद करना और सुविधा पहुंचाना अत्यावश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में अब पर्यटक पुलिस ने इसके महत्व को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक विहार पटना के निर्देश पर वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में बोध गया के एक पर्यटक पुलिस इकाई का गठन किया गया है। में 3 पुलिस अपर निरीक्षण, 1 हवलदार सिपाही एवं 10 महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं इन पर्यटक पुलिस के लिए अलग वर्दी भी निर्धारित की गई है। इन्हें 1 चार पहिया वाहन तथा 2 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया गया है। बीते दिन पर्यटक पुलिस इकाई का फीता काटकर शुभारंभ किया गया।
डुंगेश्वरी गुफा इस वजह से है बेहद खास। प्राचीन डुंगेश्वरी गुफा मंदिर 12 किलोमीटर की दूरी पर गया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोधगया जाने से बहुत पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था। यह गुफाएँ काफ़ी जटिल प्रतीत होती हैं और बौद्ध प्रतिमा को प्रदर्शित करती हैं। इन गुफा मंदिरों के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध अपनी तपस्या के दौरान बेहद कमजोर और भूखे हो गए थे। उस समय पास के गांव की सुजाता नाम की महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दो छोटे मंदिर इस घटना की याद में यहाँ बनाए गए हैं। मूलतः यह हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएँ हैं, जो हिंदू देवी डुंगेश्वरी नाम से विख्यात है। अब एक पशु रखने वाले पशुपालकों को भी मिलेगा केसीसी का लाभ। बिहार में पशुपालकों को मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड का नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार अब एक की संख्या में दुधारू पशु रखने वाले पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड लेने की सुविधा बैंकों से मुहैया कराएगी। जहां एक पशु वाले पशुपालकों को 20,000 रुपये वाले किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले ऐसा नहीं था। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेने के लिए कम से कम 2 दुधारू पशु होना अत्यावश्यक था। नई सुविधा आ जाने से लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बताते चले कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की पहल से पशुपालकों को 2 दुधारू पशु पर करीब 40,000 रुपये, 4 दुधारू पशु पर 1,05,000 रुपये, 6 पर 1.5 लाख और 10 दुधारू पशुओं पर 2,25,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी वाले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देती है। साइबर अपराधियों का मास्टरमाइंड सहित 11 गिरफ्तार। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। इन साइबर अपराधी के झांसे में डिजिटल मीडिया की अच्छी खासी समझ रखने वाले अच्छे अच्छे लोग भी फंस रहे हैं। इस मामले में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नवादा पुलिस ने बड़े पैमाने पर साइबर अपराध का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के तमाम लोगों से करते थे ठगी का काम। पुलिस कप्तान डॉक्टर गौरव मंगला की देखरेख में टीम गठन कर छापेमारी की गई, जहां से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 14 छोटा मोबाइल, 14 बड़ा मोबाइल, 1,22,200 कैश, 1 लैपटॉप, 3 पासवर्ड विभिन्न बैंकों का, 3 चेकबुक विभिन्न बैंकों का, 3 ATM कार्ड, जियो का 2 SIM कार्ड, विभिन्न राज्यों का मोबाइल लिस्ट और वह नंबर भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ मास्टरमाइंड त्रिपुरारी सिंह के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब नवंबर से ऑनलाइन कर सकेंगे स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायत। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से अनेक तरह की परेशानियों का सामना कर रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए बिजली कंपनी ने विशेष पहल की है, जिसके बाद अब स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्या को लेकर आपको बिजली ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत अब आप ऑनलाइन कर पाएंगे। कंपनी की ओर से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। ऑटो ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में उपभोक्ता न केवल शिकायत कर सकेंगे बल्कि उसकी प्रगति पर भी नजर रख सकेंगे। 15 नवंबर तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। यह विशेष सॉफ्टवेयर बिहार बिजली ऐप पर ही उपलब्ध होगा। अगले 10 दिनों में लगभग 7 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिवाली, छठ को लेकर आने वाले दिनों में राज्य में बैंक में करीब 1 सप्ताह तक की छुट्टियां हैं, जो कि 22 अक्टूबर से ही शुरू है। दुर्गा पूजा के बाद 18 तारीख से आगामी 31 अक्टूबर तक देखें तो अगले 12 दिन में लगभग 1 सप्ताह तक बैंक बंद रहेंगे। मालूम हो कि दिवाली 24 को है, इससे पहले 23 को रविवार है और उससे पहले 22 अक्टूबर को महीने का चौथा शनिवार है। ऐसे में ये तीनों दिन बैंक बंद होंगे। वहीं 4 दिन के बाद 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ 28 अक्टूबर से है, जो कि 31 अक्टूबर को सुबह के अर्घ के साथ समापन होगा। ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाव सप्ताह का आज से हो रहा शुभारंभ। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी को दूर करने की कोशिश में प्रत्येक वर्ष प्रदेश भर में 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाव सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष भी किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 21 अक्टूबर यानी आज ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाव विकार दिवस मनाया जाएगा। वहीं अगले 6 दिनों तक राज्य के अलग अलग जिलों में इसके लिए मुहिम जारी रहेगी। इस बाबत राज्य स्वास्थ्य समिति के पालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र के माध्यम से राज्य के सभी जिला अस्पताल, अनुमंडल और रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, विद्यालय एवं कल्याण केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था।
दिवाली छठ में नहीं कटेगी आपकी बिजली। त्योहार के मौसम में यानी दिवाली और छठ में आपके घर हमेशा रोशन हो रहेंगे क्योंकि बिजली विभाग आपकी बिजली नहीं काटेगी। यह ऐलान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने खुद की है। बिहार में छठ पूजा और दीपावली के दौरान सही रूप से बिजली की आपूर्ति हो इसकी तैयारी कर ली गई है। बीते कुछ दिन पहले लंबे समय से बीमार चल रहे ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव कई दिनों के बाद बीते दिन कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को दिवाली और छठ में किसी तरह की बिजली की कोई परेशानी नहीं होगी। दिवाली के समय बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है, इसको देखते हुए बिजली विभाग ने इस बार विशेष इंतजाम किया है। बीपीएससी के इस विभाग के लिए शुरू हुआ आवेदन। बीपीएससी ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वस्तुविदक के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बीते दिन 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवम्बर है। आवेदन के लिए आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इन 106 रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदक की आयु सीमा 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निबंधित होना अनिवार्य है। राजस्व दस्तावेजों का स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन का काम हुआ शुरू। राज्य के राजस्व विभाग के दस्तावेजों के स्कैनिंग एवं डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक राजस्व एवं भूमि विभाग के करीब 26 प्रकार के दस्तावेजों का स्कैनिंग एवं डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसका निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी है। सभी जिला समाहर्ता को उन्होंने यह आदेश दिया था। राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चयनित एजेंसी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के अभिलेखा तथा अंचल कार्यालयों में रखे भू अभिलेखों या राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन कार्य प्राथमिकता के आधार पर क्रमानुसार कराया जाना है, जिसमें क्रम को बिना खंडित किए हुए कार्य कराने को कहा गया है। बिहार के नटवरलाल अभिषेक ने खोली आईपीएस की पोल। बिहार से पकड़ाया नटवरलाल अभिषेक ने आर्थिक अपराध इकाई को बताया कि कैसे आईपीएस के कहने पर उसने जज बनकर डीजीपी को धमकाया था। दरअसल डीजीपी समेत दूसरे आला अधिकारियों को फोन करने वाले जालसाज अभिषेक को रिमांड पर रखा गया है। इस दौरान अभिषेक से पूछताछ जारी है। पूछताछ के शुरुआती समय में तो कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, पर सख्ती और साक्ष्य दिखाने के बाद उसने पूरी प्लानिंग बता दी। अभिषेक ने अधिकारियों को बताया कि आदित्य के कहने पर ही उसने डीजीपी और आईएएस अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश बनकर फोन किया था। कश्मीर को अलग देश बताने वाले सवाल पर आज आएगी रिपोर्ट। कश्मीर को अलग देश बताने वाले सवाल पर बिहार की सियासत भी गर्म है। इस मामले पर आज रिपोर्ट आनी है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर जांच टीम के द्वारा जांच शुरू की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस सवाल के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा उन्हीं की किरकिरी हुई है। विपक्ष ने उन्हें खूब घेरा है। बता दें कि बिहार के किशनगंज में एक स्कूल के 7वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा के एक सवाल में कश्मीर को दूसरा देश बताया गया है। यह सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नीतीश सरकार की शिक्षा विभाग की खूब हंसाई हुई है। पटना आयुक्त ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। अमूमन प्रति वर्ष देखा जाता है कि दुर्गा पूजा के बाद से गंगा नदी का जलस्तर घटता है, लेकिन इस बार इसके उलट जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में छठ पूजा नजदीक है, इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और छठ घाटों पर सुविधाओं की सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है। इस बीच बीते दिन पटना के कमिश्नर ने गंगा किनारे स्थित छठ घाटों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर व्रतियों के लिए हर तरह की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया, साथ ही घाट जाने वाले रास्तों को सुगम बनाने को कहा है। जिनका 15 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई, उन्हें सीएम ने बना दिया अध्यक्ष। ताई चुनाव में आरक्षण में फंसे पेश के मामले में नीतीश सरकार ने चुपके चुपके बीसी का गठन कर विपक्ष को एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने आयोग बनाकर सिर्फ खानापूर्ति की है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछा कि जिस व्यक्ति का 15 दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुआ है, वह कैसे अध्यक्ष का काम कर सकते हैं, जबकि दिसंबर तक चुनाव कराना है। अति पिछड़ा आयोग किसी सिटिंग जज को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो जदयू और राजद के नेताओं को ही अध्यक्ष और सदस्य चुन लिया गया है। इनके रवैया को ध्यान में रखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को खारिज कर दिया, तब इन्होंने रात के अंधेरे में आयोग बनाया।
एक सुनवाई का 35 लाख लेने वाले वकील को बुलाने पर बीजेपी ने नीतीश को घेरा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। इस बीच एक बार फिर से भाजपा ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। यह आरोप बिहार में वकील घोटाले का है। दरअसल बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग बनाने के लिए कहा, पर उन्होंने 15 रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इसके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए प्रति सुनवाई लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार से पूछा कि जब सरकार को अपनी पिटीशन वापस ही लेनी थी और बहस ही नहीं करनी थी तो इतनी बड़ी रकम वकीलों को क्यों दी गई। प्रशांत किशोर के बयान पर गरमाई राजद। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर बयानबाजियां कर रहे हैं। प्रशांत किशोर द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई। अब जदयू से लेकर राजद तक पीके पर हमलावर हैं। इस बीच बीते दिन ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं। वहीं समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो भी बातें कही हैं वह नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि उन्होंने खुद के लिए कहा है। मदन सैनी ने कहा कि पीके खुद सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं, जिस दल से पैसे मिले वे वही चले जाते हैं। कप्तान रोहित ने टूर्नामेंट के आगाज से पहले भरा जीत का दम। ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप के 8वें एडिशन की शुरुआत हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 के मुकाबले 22 अक्टूबर से शुरू होंगे। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और रनर अप न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 13 नवम्बर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। भारत अमर अभियान की शुरुआत चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। यह मैच रविवार 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस दौरान कप्तान रोहित ने कहा कि उनका और टीम का मकसद वर्ल्ड कप जीतना ही है, लेकिन वो अभी से सेमीफाइनल या फाइनल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि हमें विश्व कप जीते हुए काफी समय हो गया है। निश्चित रूप से मकसद और पूरी विचार प्रक्रिया विश्व कप जीतना है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें वहां पहुंचने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसलिए हमारे लिए एक समय में एक कदम। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दिल्ली की गद्दी संभाली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में आजाद हिंदी फौज की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। भारत और फ्रांस ने 1954 में पौंडीचेरी करैकल और माहे को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 1 नवंबर को लागू हुआ। दूरदर्शन ने 1990 में दोपहर की हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सेवाएँ आरम्भ की। फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा को 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने 2007 में अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर पद पर अपनी जीत दर्ज की। भारत और पाकिस्तान के बीच 61 वर्ष बाद कारवाए तिजास 2008 को शुरू हुआ। साइना नेहवाल ने 2012 में डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया। हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का जन्म 1830 में हुआ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म 1887 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शमी कपूर का जन्म 1931 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली राशि के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली राशि के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट PM योजना.in या 5000 रुपीज दावा कर रही है कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा सभी को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वेबसाइट पर किया गया दावा फर्जी है। ऐसे किसी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। दिवाली पर व्हाट्सएप का झटका। मेटा का स्वामित्व वाला व्हाट्सएप दिवाली के बाद कई यूजर्स को झटका देने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप 24 अक्टूबर के बाद कई स्मार्टफोन्स पर काम नहीं करेगा। ऐसे में यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दरअसल व्हाट्सएप का सपोर्ट कई आईफोन के लिए दिवाली के बाद से बंद होने वाला है। यानी कि सभी को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी वैसे आईफोन्स के लिए सपोर्ट खत्म कर रही है जो iOS 10 या iOS 11 पर काम करते हैं। अगर आपका आईफोन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है तो आप उसे अपडेट करके व्हाट्सएप का लगातार इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। आपको लेटेस्ट iOS 16 या iOS 15 में अपडेट करना होगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल असद, आयुष प्रकाश, नुनू कुमार, टी एच सिंह, उमेश दास, ओमकार सिंह, अनवर करीम खान, विजय कुमार, मंगिता भारती, के सिन्हा, जयप्रकाश कुमार, बाबूलाल मरांडी, धर्मवीर भक्त और पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारी संख्या में हो रहे लोगों के पलायन को रोकने के लिए बिहार सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।